लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हमारी क्लास का आज का टॉपिक है राजनीति शास्त्र का सिद्धांत। और राजनीति शास्त्र के सिद्धांत में आज हम लोगों का टॉपिक है राज की उत्पत्ति। हम लोग आज आपने इस क्लास में पढ़ने चल रहे हैं राज की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, राजनीति विज्ञान का यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर अनेक राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग अपने राजनीतिक विचार का प्रतिपादन किया गया। हमारी किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण होता है। आइए हम लोग बात करें कि राज की उत्पत्ति पर मूलतः कौन कौन सा सिद्धांत है। पहला है राज की उत्पत्ति के ऊपर उदारवाद की विचारधारा, और दूसरा है इस पर मार्क्सवाद की विचारधारा। उदारवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा के द्वारा राज की उत्पत्ति के व्याख्या अलग अलग दृष्टिकोण से किया गया। उदारवादी चिंतकों ने, जिनका संबंध मूलतः पूंजीवाद से है, उनके द्वारा राज की उत्पत्ति पर दो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। पहला है सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत और दूसरा है राज की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा और अन्य मार्क्सवादी विचारकों के द्वारा राज के उत्पत्ति को वर्गीय अवधारणा के अंतर्गत देखा गया। तो राज की उत्पत्ति पर दो सिद्धांत के अतिरिक्त राज के उत्पत्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण कुछ और भी सिद्धांत हैं जो हमारे एग्ज़ाम में सवाल के रूप में पूछा जाता है। उसमें पहला है राज की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। राज की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत और दैवीय सिद्धांत के साथ साथ राज की उत्पत्ति के दो अन्य सिद्धांत हैं, और उस राज की उत्पत्ति के दो अन्य सिद्धांत का संबंध है रक्त संबंध के आधार पर। राज की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत है जिसको पितृसत्तात्मक सिद्धांत और दूसरा है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। एक का नाम है पितृसत्तात्मक और दूसरे का नाम है मातृसत्तात्मक। इस सिद्धांत के अतिरिक्त भी राज की उत्पत्ति का एक अन्य सिद्धांत है जिसको राज की उत्पत्ति का शक्तिवादी सिद्धांत कहा जाता है। इस प्रकार से आपने इस बात को देख लिया कि राज की उत्पत्ति के विषय पर, राज की उत्पत्ति के संदर्भ में दो विचारधाराओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। एक है उदारवाद, दूसरा है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद के द्वारा राज की वर्गीय अवधारणा और उदारवाद के द्वारा राज की उत्पत्ति के दो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। दैवी सिद्धांत राज की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत है और इस सिद्धांत के साथ साथ राज की उत्पत्ति के ऊपर अन्य सिद्धांत भी आया जिसमें एक का नाम पितृसत्तात्मक और दूसरे का नाम मातृसत्तात्मक। एक अन्य सिद्धांत है जिसका नाम है शक्तिवादी सिद्धांत।
पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के अगर बात हम लोग करते हैं तो राज्य की उत्पत्ति के पितृ सत्तात्मक सिद्धांत का आधार परिवार है और मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के उत्पत्ति का भी आधार परिवार है। इनका मानना है कि परिवार है राज्य की इकाई है और परिवार के द्वारा क्रमशः राज्य का विस्तार हो जाता है। इसलिए राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर बात और राजनीति विज्ञान के अवधारणाओं का विश्लेषण करते हैं तो अरस्तु का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि अरस्तु ने राज्य का मूल इकाई परिवार को मानते हुए कहा है कि राज्य परिवार का विस्तार है। इसलिए पितृसत्तात्मक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है किसने? अरस्तु ने। और अरस्तु ने कहा कि राज परिवार का राज परिवार का विस्तार है। आधुनिक काल में इस सिद्धांत की व्याख्या सर हेनरी मेन के द्वारा किया गया और इनकी पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन में राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन किया गया, जिसका अर्थ है कि परिवार का नेतृत्व सर्वाधिक उम्र का पुरुष करेगा। यह पितृसत्तात्मक सत्ता की स्थापना करता है और क्रमशः धीरे धीरे स्वाभाविक रूप में यही परिवार आगे बढ़कर ग्राम और ग्राम के बाद नगर राज्य में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा मानना था अरस्तु का और आधुनिक काल में सर हेनरी मेन। इस सिद्धांत के विरुद्ध एक और सिद्धांत आया जिसने स्त्री को महत्ता दिया और मातृ सत्तात्मक सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या प्लेटो के द्वारा की गई, जबकि आधुनिक काल में इसकी बात किया है जैन एवं मार्गन ने। जैन एवं मार्गन के द्वारा इसकी बात की गई। देखिए, इसके बाद राज्य की उत्पत्ति का एक अन्य सिद्धांत है जिसको शक्तिवादी सिद्धांत कहते हैं। यह बल या शक्ति के ऊपर आधारित है। अनेकानेक चिंतकों के द्वारा इस बात को कहा गया कि जब व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था में था तो प्रारंभिक अवस्था में रहने के कारण भोजन और भूमि पर पशुओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से युद्ध प्रारंभ हो गया और युद्ध का विजेता ही कालांतर में राजा बन गया। थ्रेसिमेकस के द्वारा, वाल्टेयर के द्वारा, जैंग्स के द्वारा, हिटलर और चर्चिल के द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। और वाल्टेयर ने तो यहाँ तक कहा कि पहला राजा एक भाग्यशाली योद्धा है। इनके इस मत का समर्थन डेविड ह्यूम और जैंग्स के भी द्वारा किया गया है। इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति का ये सिद्धांत राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण रहा। लेकिन राज्य की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस पर आधिकारिक रूप में राज्य की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत दैवी सिद्धांत को माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति का सर्वप्रथम जो सिद्धांत विकसित हुआ, सर्वप्रथम प्राचीन सिद्धांत के रूप में जिसको मान्यता है वह है दैवी सिद्धांत। दैवी सिद्धांत के मान्यता है कि राज्य ईश्वर के द्वारा निर्मित एक संगठन है।
इस विचार का प्रतिपादन जेम्स प्रथम के द्वारा रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा प्लूटार्क के द्वारा तथा अन्य राजनीतिक चिंतकों के द्वारा किया गया। भारतीय चिंतन में दैवी सिद्धांत का समर्थन मनु के द्वारा किया गया है। मनु ने भी इस बात को कहा कि जब चारों तरफ अराजकता थी, लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना किया और ईश्वर ने व्यक्तियों को नियंत्रित और शासन करने के लिए राजा की उत्पत्ति की और अंततः राज की उत्पत्ति हो गई। इसीलिए उनके द्वारा कहा गया है कि राजा वास्तव में ईश्वर का ही प्रतिरूप होता है। राजा भले ही बालक हो, लेकिन उसकी आज्ञा की अवज्ञा कभी भी नहीं करना चाहिए। पाश्चात्य चिंतक जेम्स प्रथम के द्वारा कहा गया है कि राजा धरती पर ईश्वर की श्वास लेती हुई मूर्तियां हैं। आप देखिए, दैवी सिद्धांत का यह चलन रहा और इसका मूल आधार धर्म और आस्था बना रहा। लेकिन कालांतर में जब पूंजीवादी वर्ग का विकास हुआ, तब दैवी सिद्धांत के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई और राज्य को ईश्वर की संरचना मानने से इनकार कर दिया गया। जब राज्य को ईश्वर की संरचना मानने से इनकार कर दिया गया, तब इस बात पर बल दिया गया कि राज्य मूलतः मानव निर्मित संगठन है। इसका संबंध चूँकि उदारवादी विचारधारा और पूंजीवाद से है, इसलिए इस धारणा का विकास 17वीं और 18वीं शताब्दी में स्पष्ट रूप में आधुनिक काल में देखने को मिलता है। लेकिन प्राचीन काल में सोफिस्ट चिंतकों के द्वारा भी इसी बात पर बल दिया गया था और उनका भी मानना था कि राज समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत राज की परिकल्पना एक यंत्र के रूप में करता है। आधुनिक काल में इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय रिचर्ड हुकर को जाता है, जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि सम्राट को अपनी शक्तियाँ लोगों के द्वारा किए गए समझौते के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है। लेकिन सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के प्रतिपादकों में तीन नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, हॉब्स, लॉक और रूसो का। हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा राज्य के उत्पत्ति के अलग अलग व्याख्या दार्शनिक आधार पर की गई और इन तीनों का प्रयास था राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने, उसको वैधानिकता प्रदान करने और इस शक्ति और राजनीतिक सत्ता के स्थापना के तार्किक प्रश्नों का हल ढूंढ लेना। तो समस्त बातें इनकी इसी बिंदु पर आधारित रहीं। इन तीनों लोगों के अलग अलग विचार हैं। अपने क्लास में हम लोग इसका चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको एक सामान्य रूपरेखा के अंतर्गत इस बात को समझ लेना है कि यह उदारवाद की विचारधारा है। आधुनिक काल में पहली बार इसकी बात रिचर्ड हुकर के द्वारा किया गया और यह स्वीकार करता है कि राज्य एक मानव निर्मित संगठन है। देखिए, उदारवादियों का असामाजिक समझौतावादी सिद्धांत राज्य के उत्पत्ति पर दार्शनिक मान्यता और तार्किकता पर तो आधारित है, लेकिन इस सिद्धांत की कोई ऐतिहासिक प्रामाणिकता हमें प्राप्त नहीं होती। जब ऐतिहासिक प्रामाणिकता हमको प्राप्त नहीं होती है,
तब इसी आधार पर राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के अनेक चिंतकों के द्वारा, अनेक आलोचकों के द्वारा आलोचना की जाने लगी, और इस आलोचना से बचने के लिए उदारवादी चिंतकों के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के एक अन्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसका नाम ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का यह राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए आपको आएगा कि राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कहते हैं। गार्नर के द्वारा कहा गया कि राज्य का निर्माण नहीं हुआ है बल्कि इसका विकास हुआ है। गार्नर के द्वारा कहा गया है कि राज्य का निर्माण नहीं बल्कि इसका विकास हुआ है, जिसमें अनेक तत्वों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। और राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत की यही महत्वपूर्ण खूबी भी है कि यह राज्य की उत्पत्ति के बहुआयामी संकल्पना पर बल देता है, जिसकी मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति में कई तत्व सहायक रहे, जिसमें पहला है मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति, दूसरा है इसमें रक्त संबंध, और तीसरा है इसमें धर्म, और चौथा है इसमें शक्ति या बल, और पांचवा है इसमें आर्थिक गतिविधि, और छठा है इसमें राजनीतिक चेतना। इन छह तत्वों में राजनीतिक चेतना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया, और इसको मानने का श्रेय है गिलक्रेस्ट को। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत बहुआयामी राज्य के पक्ष पर बल देता है, जहां अनेक सिद्धांतकारों के द्वारा इसकी अलग अलग तत्वों के आधार पर व्याख्या की गई। ऐतिहासिक सिद्धांत इस बात पर बल दिया कि राज्य की उत्पत्ति में किसी एक तत्व की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अनेक तत्वों की भूमिका इसमें साफ साफ दिखलाई पड़ती है। इसलिए राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कहलाया। कार्ल मार्क्स के द्वारा एंजेल्स के द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि राज्य की उत्पत्ति मूलतः वर्गीय अवधारणा है, और राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण संपत्ति है, क्योंकि संपत्ति से वर्ग का निर्माण हुआ, एक धनवान वर्ग और दूसरा निर्धन वर्ग। वर्गों में अलग अलग वर्गीय हित हैं, और इस वर्गीय हित के कारण वर्ग संघर्ष प्रारंभ हुआ, और इसी वर्ग संघर्ष में पूंजीपति वर्ग के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की गई। इसलिए राज्य क्या है कहा कि राज्य इसलिए शोषण का एक यंत्र है, या पूंजीपति वर्ग के द्वारा निर्मित यह एक ऐसा संगठन है जिसका एकमात्र मकसद है निर्धन वर्ग का, मजदूर वर्ग का शोषण करना।
यह पूंजीपति वर्ग की कार्यकारिणी समिति केवल है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। तो अलग अलग राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के अलग अलग प्रकार से व्याख्या की गई। हम लोगों ने यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति का एक सामान्य इंट्रोडक्शन रूपरेखा को देखा है, जिसका विस्तृत अध्ययन हम लोग अपने ऑनलाइन क्लास में करेंगे। आप इसको पढ़ लें, एनसीईआरटी की सहायता ले लें, कक्षा 11 की, जिसमें आपको इसके संदर्भ में मिलेगा। ऑनलाइन क्लास में हम लोग डिटेल्स में इसका अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप में राज्य की उत्पत्ति का यह एक इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि राज्य की उत्पत्ति के मूलतः दो दृष्टिकोण हैं, उदारवाद और मार्क्सवाद, और इसके पूर्व राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत है, जिसका नाम है राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। बच्चों, हम लोगों का क्लास आज का यहीं तक है। किसी अन्य वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आप लगातार देखते रहें लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला को। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।